सब सखियों के स्वरूप का वर्णन करके आप कह रहे हैं इन सब मृत्यु मंजिलियों का कर्म में प्रेम सेवा करी कुतूहल कर्म में कुतूहल पूर्वक इनकी प्रेम सेवा करते हुए विराजमान होगा। कुतूहल का तात्पर्य है आश्चर्य, रस का सार सर्वदा आश्चर्य है और अलंकार कौस्तुभ में ये बात कही गई कि रस सारस चमत्कार, चमत्कार ही रस का सार है, पूरे काव्य का सार भी चमत्कार ही है। यह चमत्कार नहीं है तो कोई भी समानता अलंकार नहीं बन सकती है। यदि कोई ये कहे कि एक आंख की तरह दूसरी आंख है, एक गाय की तरह दूसरी आंख गाय है, तो ये तो कोई चमत्कार की बात नहीं हुई, इसलिए ये उपमा अलंकार नहीं होगा। उपमा अलंकार होगा कहां कि नायिका का मुख कमल के समान है, यहां पर चमत्कार है, गाय के समान गाय है, इसमें कोई चमत्कार नहीं, इसलिए चमत्कार ही रस का सार होता है और ये चमत्कार नहीं है तो रस का सार नहीं होगा, रस की प्राप्ति नहीं होगी। तो श्री ठाकुर महाशय इसीलिए कह रहे हैं कि प्रेम सेवा करी कौतूहली अपूर्व, हर चीज में चमत्कार प्राप्त करते हुए, प्रत्येक क्षण चमत्कार प्राप्त करते हुए, प्रत्येक दिन नहीं प्रत्येक क्षण प्रत्येक चेष्टा में चमत्कार प्राप्त करते हुए मैं कब सेवा करते हुए विराजमान होऊंगा। चंद्रका चंद्रका तो बड़ा दिव्य ग्रंथ है और उसकी एक विशेषता कि जहां वार्य मारता है, चंद्रका चंद्रका पूरे ग्रंथ की विशेषता यह है कि वार्य मारता जो उत्पन्न करते हैं, जो मिलन में बाधा डालने वाले हैं, लीला शक्ति उनको ही ऐसा भुराती है कि वे ही अभिसार कराने वाले बन जाते हैं। ये चंद्रका चंद्रका के पूरे चंद्रका चंद्रका में 6-7 जो लीलाएं वर्णन की गई बड़े चमत्कारपूर्ण, और जो बाधा डालने वाला है वो ये अभिसार कराने वाला हो जाए प्रिया जी को, ये रस की विशेषता है। तो ये उसमें चमत्कार के बाधक ही सहायक होकर के विराजमान, चमत्कार चंद्रिका का अनुवाद करने का एक बार अवसर मिला था, बाद में वो छपा भी। तो चमत्कार चंद्रिका ये तो बड़ी कुतूहलपूर्ण उसमें लीला कौतूहलमय लीला है और चमत्कार श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज बड़े आदर मरे बड़े स्नेह के साथ में कहते बोले आश्चर्य ये ग्रंथ इसलिए सबसे अत्यंत प्रिय लगता है कि जो बाधा डालने वाला है वो मिलन कराने वाला हो जाता है, उल्टी बात होती, ये उसकी विशेषता ग्रंथ। नित्य सिद्ध मंजिलियों के साथ में भाव परपाती इस प्रकार अपूर्ण रूप से विराजमान है, ये सखीगण अपूर्ण रूप से सेवा करती हुई निरंतर निरंतर विराजमान है और इनकी सखियों का जो सुख है उसका ये वर्णन नहीं किया जा सकता है। कौतुकी कौतुक होकर के इस रस का कौन गायन करे। श्री रसको ने वर्णन किया कि यह सुख मुख कहात न बने आप, एक पुराना पद है महावाणी जी का ही पद है कि सखियों का जो सुख है मंजरियों का जो सुख है उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। नैनन ही के द्वारन ले ले धीन माँ ही बसावे, प्रिया लाल की रूप माधुरी को नेत्रों के माध्यम से लेकर के ये सखीगण अपने हृदय में बसाती हैं और ये अदन पान अरविंद बसंत रस मदन सदन सरसावे। अदन पान मन श्री प्रियालाल के अधरामृत के पान को ग्रहण करते हैं, अदन माने भोजन किया हुआ जो पान है प्रसादी पान उसको ग्रहण करती हुई विराजमान है। अरविंद बदन रस श्री प्रिया को जो अधरामृत पान कराया गया वो अधरामृत पान इनको भी स्वाभाविक रूप में प्राप्त हो जाता है और मदन सदन सरसावे, कभी श्री प्रियालाल को अदन पान
माने पांग रोग आती हैं, कभी अरविंद बद्ररस, कभी श्री प्रियालाल, उनके उनको परस्पर एक दूसरे के अपूर्व अधरामृत का पान कराने का सौभाग्य प्रदान करती हैं। और इस प्रकार इन सखियों का एक सहज स्वभाव है कि ये श्री मुख कमल से मुख कमल को सर्वदा सन्मुख रखती हुई युवा सरकार के रुख को मिलाती हुई ही सदा विराजमान है। सदा कमल से कमल मिलाती हुई, प्रिया लाल के रुख से रुख को मिलाती हुई ये सर्वदा सर्वदा विराजमान है। कमल से कमल मिलाती हुई विराजमान, कभी श्री हस्त कमल से श्री हस्त कमल, वक्ष कमल से वक्ष कमल, चरण कमल से चरण कमल, मुख कमल से मुख कमल मिलाती हुई भी ये विराजमान होती है। तो अदन पान माने पान सेवा करना, फिर अरविंद बदन रस श्री युगल सरकार को अधरामृत पान परस्पर करवाना, फिर मदन सदन सरसावे श्री युगल सरकार उनको जहां श्री परस्पर जो प्रेम माधुर्य, उस प्रेम माधुर्य का आस्वादन कराती हुई विराजमान है, वही कमल कमल प्रतिपादन करे हैं, कमल के द्वारा कमल का ही पालन करती हुई विराजमान। श्री प्रिया का मुक्कमल, श्याम सुंदर के मुक्कमल का जब तक दर्शन नहीं करेगा तब तक कमल खिलेगा नहीं। कमल के द्वारा कमल को खिलाती हुई प्रिया के मुक्कमल से श्याम सुंदर के मुक्कमल, श्याम सुंदर के मुक्कमल से प्रिया के मुक्कमल को खिलाती हुई ये विराजमान। सो कमल कमल प्रतिपादन करके, कमल के द्वारा कमल का ही प्रतिपादन करते हुए ये विराजमान है। अति आनंद बढ़ावे, अत्यंत आनंद बढ़ावे ही है। रमत रहस्य रस मन मन भावे, जब श्री प्रियालाल रहस्य रस में विराजमान उस समय इनके आनंद का क्या ठिकाना। वितन बार बरसावे, वितन माने कामदेव जिसका शरीर नहीं है, वितन माने अनंग, उस अनंग के रस को युवा सरकार के हृदय में सना बरसाने वाली ये सखी गणी है। अर्थात प्रिया जी के सामने श्याम सुंदर के गुण का गायन करके और श्याम सुंदर के सामने प्रिया जी के गुण का गायन करके वितन बार बरसावे, वितन माने काम उनके अमृत की, प्रीति रूपी अमृत की हृदय में सना सना वर्षा करती हुई ये विराजमान होती है। और तोहू चौप बढ़त चौगनी, चौहू चौप चित बढ़त चौगनी, फिर भी इनके हृदय में चौगनी चौगनी जो चौप है वो चौप बढ़ती हुई विराजमान। चौप का कोई अर्थ नहीं हो सकता है, चौप क्या है मन चिपकना, चौप माने किसी को आकर्षित करना, कोई चौप है चौपा डालना, किसी पक्षी को फंसाने के लिए एक बधिक क्या करता है वो दाने बिखेरता है, उसको कहते हैं चौपा। तो वही चौप जैसे उस दाने को देख करके पक्षी आकर के वहीं अटक जाएगा, ऐसे ही श्री प्रिया की रूपमाधुरी का दर्शन करके श्याम सुंदर के नयन चकोर वही चंद्रमा पर अटक जाएंगे। वो प्रिया के मुख में अपूर्व चौंक विराजमान, अपूर्व हुलस, अपूर्व उमंग, अपूर्व जो तलाबेनी इन युगल में अपूर्व से विराजमान है, वो अद्भुत होकर के विराजमान। तो ये तहु चौंक चित बढ़त चौगनी, चौगनी चौंक प्रियालाल के हृदय में बढ़ाती हैं। और खेलत हू न हरावे, ये कभी भी आघाती नहीं है। घरी चार दिन रहो जान के सहचरे आन जगावे, श्री प्रियालाल मध्यान्ह में शयन कर रहे हैं, उस समय चार घड़ी बाकी रह गई हैं, आकर के जगाएंगे युगल को मिलाने वाली भी ये, और मिलन को विश्राम प्रदान कराने वाली भी ये सखी बने, मिलाने वाली भी और युगल को विश्राम कराने, युगल को होली लीना में हिडोरा लीना में सदा प्रेरित करने वाली और हिडोरा के ऊपर विराजमान करने वाली झुलाने वाली भी है। और फिर कहेंगे कि अब ये विलास बंद करो, थक गए हो गए, चलो सो,
और श्याम सुंदर इनकी आज्ञा का, इन सखियों की आज्ञा का, इन मंजरियों की आज्ञा का आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जो कह दिया सखी ने उसका पालन श्याम सुंदर को करना पड़ेगा, प्रिया जी को करना पड़ेगा। अब जब विश्राम कर लेंगे फिर से जगा देंगे कि दूर भाई सब शिथिलता, अब पुनः खेलो आए लो जा। होली नामी सखियों की ऐसी महिमा कि श्री प्रियालाल को खेल उसको बीच में रोक देने वाली यही कि नहीं थक गए हो अभी विश्राम करो, और जब विश्राम कर लेंगे तो घर ही चार दिन रहो जाने के सहचर आन जगा, फिर आकर के जगा भी देंगे कि दूर भाई सब शिथिलता, अब पुण्य खेलो आज चलो अब दोबारा खेल में लगो। तो रस में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कराने में ये सखीगण ही एकमात्र समर्थ होकर के विराजमान है। श्री हरिप्रिया सुखद सज्जाते सुमनासन पधरावे, कभी श्री शैया से श्री सिंहासन के ऊपर रासमंडल के ऊपर, कभी रासमंडल से निकुंज शैया, शैयम भवन उनमें ये कभी इस प्रकार सुखद शैया से सुमनासन इनमें पधराती हुई, कभी पुष्प सिंहासन कभी शुभ पुष्प शैया इन पर पधराती हुई ये सखीगण अपूर्व रूप से विराजमान। अतः इन सखियों का जो सुख है उन सखियों के सुख का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है, इन सखियों का सुख अपूर्व अपूर्व होकर के विराजमान। इसलिए रसिक जन कहते हैं कि मैं इन सखियों की ही अपूर्व से बलिहारी जाता हूँ, और इन सखियों की बलिहारी। ये पद पहले रास की समाप्ति पर अवश्य लाया जाता था, वो इन सखियों की बलिहारी। अब तो धीरे धीरे परंपरा शाम को पुराने लोग अभी भी जाते के पूरा जो रस है वह सखियों के अधीन, सखी जब चाहेंगे तो युगल को प्रवृत्त कराएंगे और सखी जब चाहेंगे तो युगल को प्रवृत्त निवृत्त करा देंगे। तो ये जितना भी वृंदावन का विलास है ये युगल का विलास नहीं है, वृंदावन का सारा विलास सखियों का विलास है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर से एक बात दोहरा दें कि वृंदावन का सारा विलास युगल का विलास है ही नहीं, वो सारा विलास सखियों का ही एकमात्र विलास है। शिवल सरकार की गोविंद जय, जय गोपाल जय, जय गोविंद जय, जय गोपाल जय, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि।